बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम डेटा टाइप की डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप से ही रिलेटेड एक और टॉपिक टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये टाइप कास्टिंग क्या होता है? द टाइप कास्टिंग इज अ वे ऑफ कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू एन अदर डेटा टाइप। यानी ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए एक वेरिएबल की डेटा टाइप को दूसरे वेरिएबल की डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? ताकि यूजर को उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोग्राम में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद हैं और दोनों की डेटा टाइप अलग अलग है, यानी अगर एक की डेटा टाइप 4 है और दूसरे की डेटा टाइप इंट है, तो कंपाइलर तब तक उस एक्सप्रेशन को कंपाइल नहीं कर सकता जब तक कि उन दोनों वेरिएबल्स की डेटा टाइप एक जैसी ना हो जाए। और इन डेटा टाइप्स को एक सा करने के लिए जो तरीकेकार अपनाया जाता है वो कहलाता है टाइप कास्टिंग। दोस्तों, टाइप कास्टिंग दो तरीकों की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो आइए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को देखते हैं। दोस्तों, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में खुद से कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसमें हमने एक वेरिएबल एक्स लिया है जिसकी टाइप है इंटीजर, लेकिन हम उसमें स्टोर करने जा रहे हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आया है वो आया है 3, विच मींस कि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इस इंटीजर की टाइप को देखते हुए, डेटा टाइप को देखते हुए, इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर टाइप वैल्यू में। यानी इसका जो ये नॉन इंटीजर पार्ट था 0.14 का, इसको ट्रंकेट कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है, और जो सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट था विच इज 3, उसको स्टोर करवा दिया है इस एक्स वेरिएबल के अंदर। तो दोस्तों, ये जो टाइप कास्टिंग कहलाती है, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर टाइप वैल्यू में। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक और प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट। अब हम इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब क्या होगा, हम जब इस एक्स को प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर हम फ्लोट के लिए परसेंट एफ यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इसको रन करेंगे कंट्रोल एस करके, तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसका रिजल्ट आया है 3.000000, यानी यहाँ पर आपके कंपाइलर ने खुद से इस इंटीजर टाइप वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में। तो इस तरह की कन्वर्जन को इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन कहा जाता है, जिसमें कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है दूसरी डेटा टाइप। और डिफरेंस यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो जो आपका ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेटा टाइप लिखी गई है, आपकी वैल्यूज भी लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल की टाइप है उसके अंदर कन्वर्ट की गई है। तो दोस्तों, इसका ये पॉइंट देखिए, व्हेन द types of variables data type of left side of assignment operator is not same as the right side of the data type, yani do variable hai, left side jo hai wo float hai aur right side operator ke assignment operator ke jo right side value hai wo ek integer type value hai, to agar is tarah hoga to fir kya hoga, the value of the expression is demoted or promoted according to the left hand side variable, to fir kya hoga, जो भी वैल्यू है वो या तो डिमोट होगी, जिस तरह से इंटीजर की जो, जिस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जब इंटीजर में कन्वर्ट हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर टाइप थी और राइट हैंड साइड पे अभी हमने देखा था कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी 3.14, तो जब हमने उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट किया था तो हमने उसको इंटीजर टाइप में किया था, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेटा टाइप थी वो एक इंटीजर टाइप थी और उसी को देखते हुए कंपाइलर ने आपकी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया था, डिमोट कर दिया था, ट्रंकेट कर दिया था इंटीजर टाइप वैल्यू में। यानी जो 3.14 था वो अब बन गई थी 3। इसी तरीके से
अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और आप एक इंटीजर टाइप वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो फिर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो प्रोमोट हो जाएगी 3 से 3.000000 हो जाएगी। यानी इस तरह की कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेटा टाइप होगी उसी के अंदर राइट हैंड साइड वाली भी वैल्यू कन्वर्ट कर दी जाएगी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल की कर रहे हैं, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड पर एक अलग डेटा टाइप दी है और राइट हैंड साइड पर एक अलग डेटा टाइप दी है। लेकिन अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और दोनों की डेटा टाइप अलग अलग है, तो कब कंपाइलर क्या करेगा? डियर फ्रेंड्स, अब कंपाइलर इस कन्वर्जन हायरार्की को देखते हुए कन्वर्जन परफॉर्म करेगा। और यहाँ आप देखें तो सबसे पहले, यानी सबसे छोटी टाइप है 4, उसके बाद है int, उसके बाद unsigned int, long int, unsigned long int, float, double and long double। यानी इस हायरार्की के तहत जो सबसे छोटी डेटा टाइप है वो है 4। और यहाँ पर आप जान भी चुके हैं क्योंकि 4 की जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में सबसे कम स्पेस रिजर्व करती है, 1 byte ऑफ मेमोरी रिजर्व करती है। इसी तरीके से int 2 byte, 4 byte रिजर्व करता है, इसी तरीके से लॉन्ग इंट 8 byte करता है, और फ्लोट जो है वो 4 to 16 byte आपकी मेमोरी में रिजर्व करता है। विच मीन्स ये जो आप हायरार्की देख रहे हैं, ये छोटी से बड़ी यानी लोअर टू हायर डेटा टाइप जा रही है। 4 सबसे छोटी डेटा टाइप है और लॉन्ग डबल यहाँ पर सबसे बड़ी डेटा टाइप है। तो हमेशा जब भी एक वेरिएबल के अंदर, एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों वेरिएबल्स की टाइप अलग अलग होगी, तो फिर इस कन्वर्जन हायरार्की को देखते हुए ही कंपाइलर आपकी उन डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करेगा। जैसे दोस्तों, और दोस्तों इस हायरार्की के जरिए ही कंपाइलर हमेशा जो छोटी डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करेगा बड़ी डेटा टाइप में। जैसे मान ले ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक की डेटा टाइप है 4 यानी करेक्टर डेटा टाइप, और दूसरी की डेटा टाइप है इंट यानी इंटीजर डेटा टाइप। अब जो 4 डेटा टाइप है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में। क्यों दोस्तों? यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाइलर हमेशा छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर ये 4 सबसे छोटी डेटा टाइप है और उसके बाद जो उससे बड़ी डेटा टाइप है वो है इंट। तो यहाँ पर इंट 4 से बड़ी डेटा टाइप है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसने इस करेक्टर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर डेटा टाइप में। इसी तरीके से दोस्तों, अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल की टाइप है इंट और दूसरे वेरिएबल की टाइप है फ्लोट, तो अब आप मुझे इस हायरार्की में से देखकर बताएं कि इंट को कन्वर्ट होना चाहिए या फिर फ्लोट वेरिएबल को कन्वर्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, यहाँ इंट कन्वर्ट होगा फ्लोट में, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट एक छोटी डेटा टाइप है और फ्लोट एक बड़ी डेटा टाइप है। और हमेशा याद रखिए, कंपाइलर हमेशा छोटी डेटा टाइप को ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों के जहनों में भी एक सवाल आया होगा कि कंपाइलर ऐसा क्यों करता है, क्यों हमेशा छोटी डेटा टाइप ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बड़ी डेटा टाइप यानी यहाँ पर हम फ्लोट को इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करने के बजाय फ्लोट को इंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हम अभी एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक वेरिएबल है जिसका, ये हमने एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसकी टाइप हमने ली है इंटीजर और इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है 5। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है जिसका नाम है y और इसकी डेटा टाइप हमने फ्लोट ली है और इसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो है 4.5। इसके बाद दोस्तों, हमने जो थर्ड वेरिएबल लिया है उसकी टाइप ली है फ्लोट। अब हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हैं इन दोनों के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान सम करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपाइलर एक छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बजाय बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में कन्वर्ट करे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कन्वर्जन क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल यूज हो रहे हो और दोनों की डेटा टाइप्स अलग अलग हो, तो कंपाइलर हमेशा पहले उनकी टाइप्स को सेम करेगा।
अब यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया है, हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम कंपाइलर को ये बोलते हैं कि आप छोटी डाटा टाइप को बड़ी में कन्वर्ट करने के बजाय बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर बड़ी डाटा टाइप है फ्लोट, क्योंकि फ्लोट जो है वो इंट से ज्यादा मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करती है। तो यहाँ पर हम फ्लोट को कन्वर्ट करवा रहे हैं इंट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर इंट की वैल्यू जो कि एक्स है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि फ्लोट को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख चुके हैं जब हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो नॉन इंटीजर पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो 4.5 वैल्यू है ये बन गई है सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर जब हम इसके रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे यानी जेड को प्रिंट करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये होगा 9 और 9 के बाद, क्योंकि ये जेड जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है तो ये कन्वर्ट कर देगा 9 को 9.000 में। तो जो कि आंसर गलत है, अगर आप 5 को 4.5 में प्लस करवाएं तो रिजल्ट आएगा 9.5, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 9.000। तो दोस्तों ये गलत रिजल्ट है, इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि छोटी डेटा टाइप को ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करें। अब दोस्तों मान लें हमारी ये थ्योरी तो रॉन्ग हो गई है, अब हम जो कंपाइलर पहले से काम कर रहा था यानी छोटी डेटा टाइप को बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा था, हम भी वही करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इंट फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने के बजाय अब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इंट में फ्लोट को कन्वर्ट किया तो अब इंट क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है, और जब इंट फ्लोट में कन्वर्ट होता है तो उसके आगे आपके पॉइंट लग जाते हैं और इस तरह से इसकी वैल्यू तब्दील हो जाएगी 5.000000 में और फ्लोट की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9.500000, विच मीन्स कि जो रिजल्ट है ये बिल्कुल दुरुस्त रिजल्ट है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, कंपाइलर हमेशा एक छोटी डेटा टाइप को ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है ताकि कन्वर्जन आसानी से परफॉर्म हो सके। क्योंकि डियर फ्रेंड्स इसकी मिसाल ऐसी ही है कि दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स का साइज बड़ा है और दूसरे बॉक्स का छोटा। तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा जो छोटा बॉक्स है वो बड़े बॉक्स में इजीली जा सकता है, ना कि बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में। इसी तरह एक छोटी डेटा टाइप बड़ी डेटा टाइप में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, उसकी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई पार्ट ट्रंकेट भी नहीं होगा। जैसे 3 जो है एक इंटीजर डेटा टाइप है, एक छोटी डेटा टाइप है, और अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक बड़ी डेटा टाइप है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर जो है वो मेमोरी में 2 byte रिजर्व करती है और जो फ्लोट डेटा टाइप है वो 4 byte रिजर्व करती है, तो अगर हम एक 2 byte के वेरिएबल को 4 byte की जगह पर रखना चाहें तो ये यकीनन एक बहुत ही आसान काम होगा। इसके अंदर वैल्यू के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली भी नहीं आएगी और ना ही कोई पार्ट इसका ट्रंकेट या फिर डिस्कार्ड होगा। बल्कि अगर हम किसी बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डालना चाहें तो जब तक हम उसको तोड़ मरोड़ कर छोटा नहीं करेंगे तो वो उस बॉक्स में जा ही नहीं सकता। इसी तरह एक बड़ी डेटा टाइप जैसे कि फ्लोट को अगर आप किसी छोटी डेटा टाइप जैसे कि इंट में तब्दील करना चाहेंगे तो फिर आपकी डेटा टाइप चेंज तो हो जाएगी, फ्लोट से इंट तो बन जाएगी, लेकिन उसका काफी हिस्सा डैमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3.14 है ये एक फ्लोट डेटा टाइप है यानी एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, और अगर हम इसको इंट में तब्दील करना चाहते हैं तो फ्लोट जो है वो मेमोरी में 4 byte रिजर्व करता है। तो दोस्तों 4 byte को 2 byte के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, 2 byte की जगह पर रखने के लिए हमें इसको तोड़ मरोड़ कर छोटा करना पड़ेगा यानी 2 byte के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ही ये इस जगह पर फिट हो सकेगा। इसीलिए फ्रेंड्स कंपाइलर भी हमेशा छोटी डेटा टाइप को ही बड़ी डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। और दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहाँ एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल है इंट टाइप का और दूसरा वेरिएबल है चार टाइप का। तो आप जानते हैं कि चार डेटा टाइप जो है वो इंट डेटा टाइप से छोटी डेटा टाइप है, इसीलिए यहाँ पर जो है 4 कन्वर्ट होगा इंट के अंदर। इसी तरीके से एक वेरिएबल है जिसकी टाइप है इंट और दूसरा वेरिएबल है जिसकी टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पर जो छोटी डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप, इसीलिए यहाँ पर इंटीजर कन्वर्ट होगा फ्लोट में। बिल्कुल ऐसे ही अगर फ्लोट और डबल के वेरिएबल एक साथ है तो यहाँ पर फ्लोट एक छोटी डेटा टाइप है और डबल एक बड़ी डेटा टाइप है, तो इसीलिए फ्लोट यहाँ पर कन्वर्ट होगा डबल के अंदर। और बिल्कुल ऐसे ही आखिर में एक वेरिएबल है जिसकी टाइप डबल है
और दूसरा वेरिएबल जिसकी टाइप लॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्योंकि बड़ी डेटा टाइप है और डबल एक छोटी डेटा टाइप है, तो डबल यहाँ पर कन्वर्ट होगा बड़ी डेटा टाइप यानी लॉन्ग के अंदर। दोस्तों ये कहलाती है इम्प्लिसिट डेटा टाइपिंग, क्योंकि कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली आपको करके देता है और ये आपको खुद से परफॉर्म नहीं करनी होती। इसके बाद जो दूसरी किस्म की डेटा टाइप है वो है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दोस्तों जब कभी भी आप ये चाहते हैं कि कंपाइलर के बजाय आप खुद से प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त एक टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सके, तो इस तरह की कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप भी कहा जाता है। और यहाँ एक टाइप के वेरिएबल को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कास्टिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये इसका सिंटैक्स देखिए, दोस्तों ये जो पैरेंथेसिस है इसको कास्ट ऑपरेटर कहा जाता है, जिसमें आप उस डेटा टाइप के कीवर्ड को लिखते हैं जिसमें आपको वेरिएबल को कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और अब आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो अब आप इन पैरेंथेसिस के अंदर इस कास्ट ऑपरेटर के अंदर फ्लोट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसकी टाइप हमने फ्लोट ली है। अब हम इस वेरिएबल के अंदर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करवा रहे हैं जिसका रिजल्ट जो है वो हम इस फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ आप अगर इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आएगा 1.4। लेकिन यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट आया है 1.000000, विच मीन्स कि ये जो रिजल्ट है ये गलत है। क्यों डियर फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर ये 7 और 5 ये दो इंटीजर वैल्यूज हैं, और जब कभी भी आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर आप दो वैल्यूज ले रहे हैं, उन दोनों वैल्यूज की अगर डेटा टाइप सेम है, यानी ये दो वेरिएबल्स ये दो वैल्यूज जो है इंटीजर टाइप की हैं, तो इनका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जब 7 को डिवाइड किया 5 से, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इनका रिजल्ट आना चाहिए था 1.4, लेकिन इसका रिजल्ट क्योंकि ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब 1.4 इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो वो बन जाएगा 1। और फिर जब उन 1 को फ्लोट टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो उसका रिजल्ट बनेगा 1.000000। अब डियर फ्रेंड्स आपको इसको चेंज करने के लिए, इसका रिजल्ट सही लाने के लिए आपको खुद से इसकी डेटा टाइप को इस एक्सप्रेशन के अंदर चेंज करना होगा। किस तरीके से? दोस्तों अगर आप इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की भी टाइप चेंज कर देंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल की टाइप भी चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अब एक्सप्लिसिट डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, जिसका सिंटेक्स है हम सबसे पहले जिस भी वेरिएबल की डेटा टाइप को हमें चेंज करना है, जिस भी वैल्यू की डेटा टाइप को हमें चेंज करना है, उसके आगे कास्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे और उसके अंदर उस डेटा टाइप का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें इस 7 को कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो दोस्तों अब क्या होगा, ये 7 जो है ये बन जाएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और क्योंकि जब कभी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल यूज हो रहे हो, दो अलग अलग टाइप की डेटा टाइप यूज हो रही हो, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली छोटी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा बड़ी डेटा टाइप में। तो अब यहाँ पर 5 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि 7 को हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट में। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन होगी ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी, और 7 के साथ जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं ये कहलाएगी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उसके बाद दोस्तों अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, उसके बाद कंपाइल और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही आ गया है 1.400000। तो दोस्तों इस तरह से जब कभी भी आप ये चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो सही आए, एक्यूरेट आए, तो आप खुद से भी अपनी एक एक्सप्रेशन में यूज होने वाली डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरी टाइप में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के जरिए। दोस्तों इस स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, जिसकी टाइप हमने ली है फ्लोट और इसमें हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करवाई है। इसी तरीके से हमने एक और वेरिएबल लिया है सम का, जिसकी हमने डेटा टाइप रखी है इंट। अब दोस्तों हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है, जिसके अंदर हम इस एक्स में प्लस करवाने जा रहे हैं 1 को, और आप जानते हैं कि 1 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, जबकि एक्स के अंदर हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर की है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स की टाइप एक जैसी हो जाए,
ताकि ये बात आसानी एक्सप्रेशन सॉल्व हो सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस x की जो कि फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, हमने इसकी टाइप को चेंज कर दिया, हमने इसकी टाइप को इंट कर दिया, यानी हमने यहाँ पर टाइप कास्टिंग अप्लाई की है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई की है। उसके लिए हमने कास्टिंग ऑपरेटर के अंदर इंट लिख दिया, यानी इंटीजर लिख दिया। तो अब ये जो x की वैल्यू है ये ट्रंकेट होकर इंट वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अब जो 3.6 है ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट देखिए, ये हमने कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x कन्वर्ट हो गया है इंटीजर में, x 3.6 था, जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो ये बन गया 3, और 3 में जब आप 1 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट आपका जो प्रिंट हुआ है वो आपका रिजल्ट प्रिंट हुआ है 4। तो ये जो टाइप कास्टिंग है ये कहलाती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें आप खुद से यानी प्रोग्रामर खुद से प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त अपने वेरिएबल की टाइप किसी भी एक्सप्रेशन में तब्दील करते हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये ओवरऑल प्रोग्राम में इस एक्स की डेटा टाइप तब्दील नहीं हुए, बल्कि सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन आपको लिखी हुई नजर आ रही है, सिर्फ यहाँ पर इसकी डेटा टाइप चेंज हुई है। अब अगर हम इस एक्स को दोबारा प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर ये 3 प्रिंट नहीं करेगा बल्कि 3.6 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टाइप कास्टिंग है ये जहाँ पर जिस एक्सप्रेशन में आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वही अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को, तो देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 3.6 प्रिंट होती है या फिर 3 प्रिंट होती है। ये हमने लिखा परसेंट f, क्योंकि x वेरिएबल जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। इसके बाद हमने न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश n लिख दिया है, कॉमा डाला, और कॉमा के बाद हमने x लिख दिया यानी वेरिएबल नेम लिख दिया। दोस्तों अब आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या शो हो रहा है, ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका रिजल्ट 3.600000 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टोर ही इसके अंदर जो वैल्यू करवाई है वो आपको प्रिंट होती नजर आई है। विच मीन्स कि जो भी आप टाइप कास्टिंग करते हैं वो जिस एक्सप्रेशन में आप परफॉर्म करवा रहे होते हैं सिर्फ वहीं पर ही उसकी जो टाइप है वो चेंज होती है, बाकी प्रोग्राम में कहीं उसकी टाइप चेंज नहीं होती। अब अगर आप आगे भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर दोबारा इसके अंदर इस वेरिएबल को आप लॉन्ग डबल या चार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये सिर्फ उसी एक्सप्रेशन के अंदर इसकी टाइप चेंज होगी, अदरवाइज पूरे प्रोग्राम में वही टाइप रहेगी जो आपने इनिशियली डिक्लेयर की होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर डिफरेंसेस देखें तो जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो प्रोग्रामर को परफॉर्म करनी पड़ती है, खुद से आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। अगर आप प्रोग्राम में किसी एक्सप्रेशन के अंदर उस वेरिएबल की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको खुद से परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है ये कंपाइलेशन के टाइम कंपाइलर परफॉर्म करता है, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है ये जब प्रोग्रामर प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा होता है, बना रहा होता है, उस वक्त ये परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर किसी किस्म का कोई कास्टिंग ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होता, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हमें टाइप कास्टिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगले लेक्चर में आगाज करेंगे हम एक नए टॉपिक का, ऑपरेटर्स इन सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।